Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. आज का वीडियो शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से, क्योंकि कल हम लोग जाने वाले हैं रोड ट्रिप पर. तो हम लोग जा रहे हैं मलेशिया कुआलालंपुर. सो हम लोग जा रहे हैं मलेशिया कुआलालंपुर, और पीछे आप सारा बेडशीट वगैरह निकाला हुआ इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैंने रूम को थोड़ा बहुत चेंज किया है कल. तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो मैंने सोचा कि रूम का काम कर लेती हूँ, और मैंने एक रैक ऑर्डर किया था वो आ गया है शेल्फ, तो मैंने यहाँ का टेबल हटा दिया, सारा रूम को थोड़ा बहुत अरेंज किया. अभी शीट डालनी है एंड वहाँ का सामान निकालना है, तो अभी मैं धीरे धीरे पैकिंग स्टार्ट कर रही थी. अभी पैकिंग होने के बाद फिर मुझे करना है उपमा का प्री मिक्स रेडी, क्योंकि वहाँ पे हम एक कॉन्डो में रहने वाले इस बार, अपार्टमेंट में, हम होटल में नहीं रुक रहे हैं. और हमारे साथ आ रहे हैं निकिता, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी वगैरह. तो हम ये रोड ट्रिप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं. सनी एंड निकिता के हस्बैंड कार चलाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट रोड ट्रिप होने वाला है सिंगापुर में, क्योंकि इंडिया में तो हम बहुत सारे रोड ट्रिप कर चुके हैं, बट सिंगापुर में रोड ट्रिप करना वॉज आ ड्रीम, यू नो. मतलब सिंगापुर से कहीं जाना है ऐसे हम बहुत बार सोचते थे. देखिए बालों को भी आज मुझे करना है कुछ. और उस दिन मैंने बताया ना, मैंने कलर कर लिया और मेरे पूरे बालों के हाइलाइट्स उड़ गए. अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगने लग गए हैं, जो कि मुझे इतने खास नहीं लग रहे, क्योंकि हमेशा से मुझे आदत रही है कॉलेज डेज से, यू नो, टेंथ के बाद से ही मैं कलरिंग करना स्टार्ट कर दी थी बालों पे हाइलाइट्स वगैरह. तो अभी मेरे बाल बहुत फीके फीके लग रहे हैं मुझे. तो देखते हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ करेंगे इसके बारे में भी. हाँ, तो रोड ट्रिप के बारे में बोल रही थी. तो हम सब लोग मिलके जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है. हम लोग जा रहे हैं 4 दिन के लिए, 3 nights 4 days, क्योंकि अभी ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, गुड फ्राइडे वगैरह का, तो हमने सोचा कि चलो एक ट्रिप मार लेते हैं तब तक. सो वही जाने वाले हैं, एंड अभी पैकिंग स्टार्ट कर दी. मैंने कुछ ज़्यादा पैकिंग नहीं है, 3 दिन के ही कपड़े रखने हैं, और लाइट से कपड़े ही रखेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है. आई एम श्योर वहाँ पर भी गर्मी होगी. तो खाना बना लेके जा रहे हैं हम कल 1 दिन के लिए खाने के लिए. रोड ट्रिप पे खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं मेरी तरफ से बना रही हूँ मेथी की पूड़ी और ड्राई आलू एंड ये उपमा का प्री मिक्स, और कुछ बनाने का सोच रही हूँ. लेट्स सी क्या दिमाग में आता है. एंड चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ हमने पाउडर्स रख लिए हैं, क्योंकि वहाँ पीने का मन किया तो बना लेंगे हम सुबह. सो ये पूरा घर जैसा ही होगा वहाँ पे, तो हम कुछ भी कर सकते, किचन वगैरह सब कुछ है. बस अभी ये पैकिंग डन कर रही हूँ मैं, और उसके बाद घर का जो काम है ना वो सब. और मैं आपको एक रूम की झलक दिखा देती हूँ, मैंने जो चेंजेस किए हैं छोटे मोटे. सो ये देखिए, यहाँ पे पहले वो एक टेबल हुआ करता था, तो ये शेल्फ मंगाया मैंने, तो अभी ऐसा अरेंजमेंट कुछ किया है. ये मेरा टाइगर को यहाँ बिठा दिया मैंने. अब देखिए यहाँ पे पूरे मेरे परफ्यूम्स आ गए इस सेक्शन में ऊपर, और इसके अंदर पूरा मैंने सामान भी अभी भर के रख दिया है. देखिए कल ही मैंने अरेंज कर दिया सब कुछ. ये जो एक्स्ट्राज है मेकअप वगैरह के, तो वो रख दिए. वैसे भी मैं मेकअप अभी रेयर ही यूज़ करती हूँ. और ये मेरा पूरा स्टॉक है जो जो क्रीम्स लोशंस वगैरह का है, तो वो भी मैंने यहाँ रख दिया है इस शेल्फ में. फिर यहाँ पे मैंने हेयर कलर सनस्क्रीन वगैरह का स्टॉक यहाँ पे रख दिया. और फिर यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड्स रख दिए मेरे, क्योंकि उसकी जगह नहीं थी. और नीचे मैंने फिर मेरा गैजेट्स का जो जो एक्स्ट्राज है वो रख दिए हैं. और ये ऊपर वाले शेल्फ में मैंने कुछ कुछ क्या रखा है यहाँ पे, हाँ, नॉर्मली चीज़ें रखी है मैंने. सो ऐसा कुछ अरेंज किया है अभी मैंने, तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गई मुझे. और अभी यहाँ देखिए, ये कपड़े लेके जाने के लिए रखी हूँ मैं. अभी ये शीट को धो के लाई हूँ, अभी ये शीट को बिछाना है यहाँ पे. ये निकाल दिया था मैंने, और पिलो केसिंग्स भी निकालिए. और यहाँ के फ़ोटोज सारे मैंने निकाले हैं मेरे, क्योंकि उनको नया ब्लू टैग लगा के चिपकाना है. पुराने फोटोज सारे ना गिरने लगे थे वहां से, क्योंकि यहाँ से मेरी रूम में धूप आती है जब मैं खिड़की खोलती हूँ, तो गर्मी से ना वो ब्लू टैग वगैरह ना बहुत ज्यादा लड होके ना पूरे फोटोज गिर गए थे. तो उस फोटोज को फिर से मैं चिपकाऊंगी अभी, जब टाइम मिलेगा. आने के बाद करूंगी या फिर जाने के पहले, मुझे रेयरली पता है कि अभी टाइम मिलने वाला है मुझे, तो इसीलिए वो अभी काम मैं नहीं करूंगी. अभी चलिए आज का व्लॉग दिखाती हूँ मैं क्या क्या करना है. शाम को जाके मनी एक्सचेंज से मनी एक्सचेंज भी करा के लाने हैं पैसे, मलेशियन रिंगेट लाने हैं. कुआलालंपुर हम पहले भी गए हुए हैं, 3 बार जा चुके हैं हम, 3-4 बार जा चुके हैं, बट ये रोड ट्रिप पहली बार जा रहे हैं, है ना, विथ न्यू कंपनी, न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो मजा अलग रहेगा. लेट्स गो. उसके लिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि वहाँ पे हम 2 दिन सुबह का ब्रेकफास्ट खाना है हमको, और हम होटल में नहीं रह रहे हैं, हम एयरबीएनबी से एक कॉन्डो में रहने वाले हैं, अपार्टमेंट जो होता है. तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना लेके जा रही हूँ. ब्रेकफास्ट मतलब ये प्रीमिक्स होगा, जो मेरी मम्मी मुझे जब मैं कोविड में सर्बिया से आई थी तब बना के दिए थे, तो वैसे ही मैं उपमा बना लेके जा रही हूँ. तो ये रही सूजी, जितनी चाहिए सूजी उतनी लेनी है. और फिर यहाँ पे ये रहा प्याज,
ये रही प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, थोड़ी सी उड़द की दाल भी डालूंगी मैं अभी, तो इसको ना प्री मिक्स कर लूंगी मैं वो कैसे करूंगी अभी आप लोगों को बताऊंगी। और फिर मैं उसको सोच रही हूँ कि ये वाली बॉटल में डाल लेके जाऊँ, ये ग्रीन टी की बॉटल है तो उसमें भर लेके जाऊंगी। वहां जाके सिर्फ पानी डाल के इसको उबालना होता है, दैट्स इट, एंड उपमा तैयार हो जाएगा। और मेरे नेल्स देखिए, पूरे होली का रंग अभी तक जा ही नहीं रहा है, ग्रीन हो गए हैं नेल्स मेरे जो होली खेला था, तो ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए तेल जैसे ही गर्म होता है, मैं सबसे पहले इसमें उड़द की दाल डालूंगी। उपमा में उड़द की दाल मुझे बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा ही जब तेल गर्म होगा ना तब डालूंगी, वरना ज्यादा गर्म तेल में अगर उड़द की दाल डालोगे ना तो वो बहुत ज्यादा एकदम से जल जाएगा। अब इसको धीरे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें एक गोल्डन ब्राउन का कलर आ जाए। ठीक, ये देखिए धीरे से इसमें कलर चेंज हो रहा है अभी, तो इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है मालूम, और जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है तब इसमें मैं जाके राई डालूंगी। पहले ही राई डालेंगे तो वो भी जल जाएगी, तो इसको बीच में डालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आ रहा है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालोगे तो वो एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और कड़वा हो जाएगा उसका फ्लेवर, तो ऐसे करना था हमेशा। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता, और फिर डालूंगी प्याज, फिर हरी मिर्ची भी डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि प्याज एकदम से ब्राउन ना हो जाए, वरना आपका ये प्रीमिक्स खराब हो जाएगा। ये प्रीमिक्स आप 15 दिन तक भी रख सकते हो अगर प्याज अच्छे से पकी है तो। अगर आपको लगता है कि आपको एक महीना रखना है, जैसे आप बच्चों को US कहीं भी देख के भेज रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें प्याज नहीं डालनी है, बस हरी मिर्ची और दूसरी कड़ी पत्ता वगैरह डाल के ना इसको अच्छे से फ्राई करना है। सूजी को भी इसमें फ्राई करना है, और बाद में जहाँ पे भी आप लेके जा रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा से ऑयल में प्याज डाल के भून के फिर उसमें ये प्रीमिक्स डाल सकते हो। बट अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 2 दिन में ही इसको खाने वाले हैं, तो मैं प्याज डाल के लेके जा रही हूँ। सो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है प्याज को, और ये मैं बस 1 दिन में यूज़ करने वाली हूँ, तो इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ। तो अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, ये जो सूजी है ना इसको मैं डाल लूँगी इसमें, और इसको अच्छे से भूनते हैं, सूजी को इस मिक्सचर के साथ भूनेंगे। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि अभी कहाँ जहाँ जा रहे हो आप वहाँ पे ऑयल नहीं है समझो। ठीक है, तो इसमें इनफ ऑयल होना चाहिए कि आपका उपमा अच्छे से बन पाए, है ना, तो इसीलिए देखिए अब इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ ऐसे। और मैं हरा धनिया रख लेके जाऊँगी, क्योंकि बिना हरे धनिया के मुझे उपमा अच्छा नहीं लगता है, सो मैं धनिया थोड़ा सा रख लेके जाऊँगी। ठीक है, सो अब इसको अच्छे से भूनते हैं, एंड इसमें नमक और चीनी आप रख लेके जाना थोड़ा सा पैकेट में, या फिर इसमें भी आप मिक्स कर सकते हो बट एंड में। ठीक है, अभी डालोगे तो उसमें लम्प्स बन जाएंगे शुगर के, तो एंड में इसमें बस ऐसे ही चीनी ऊपर से मिक्स कर सकते हो। तो अब इसको अच्छे से भूनूंगी मैं ताकि सूजी खराब ना हो जाए। सो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पे इंडियन स्टोर पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मेथी लानी है, क्योंकि कल जैसे मैंने बोला कि मेथी पूरी बनानी है, तो उसके लिए फ्रेश मेथी चाहिए होती है। ड्राई मेथी से कभी मैंने ट्राई नहीं किया, अगर अब मेथी नहीं मिली तो ड्राई मेथी से ही करना पड़ेगा, बट मैं जितनी कोशिश हो सकती उतनी मैं फ्रेश मेथी से बनाती हूँ हर बारी। सो वही है भी लेने जा रही हूँ, होपफुली मिल जाए। अरे यार धूप बहुत है, मुझे छाता लाना चाहिए था। मुझे ना आजकल स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है, थोड़ा भी दुख में जाती हूँ ना तो पूरा मुझे रेडनेस होने लग जाता है चेहरे पे, तो चलेगा कैसे। वहाँ तक शेल्टर है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा रास्ता है। और जिस बात का डर था ना वही हुआ, तो मेथी नहीं मिली मुझे। सो अभी वापस जा रही हूँ मैं घर, एंड सूखी मेथी से ही बनाना पड़ेगा बोलते हैं ना, इसलिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। मैंने किस मुंह से बोला पता नहीं, कि पता नहीं मेथी मिलेगी कि नहीं, एंड सच में मेथी आज थी नहीं। रोज उस शॉप पे मेथी होती है, ऐसे सड़ती रहती है पड़ पड़ के, यू नो, एंड आज ही मेथी नहीं है, तो अब सूखी मेथी डाल के मसाला पूरी बना लूँगी मैं। सो ये देखिए ठंडा हो गया है अभी, 2-3 घंटे छोड़ दिया था मैंने ताकि अच्छे से ठंडा हो, क्योंकि ख़राब नहीं होना चाहिए ना यार, लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट अच्छे से यूज़ तो हो जाए। तो अब मैं इसको इस बॉटल में डाल रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें ना, एकदम साउथ इंडियन उपमा जैसी। हो
होपफुली सबको पसंद आएगा, ऑफकोर्स अच्छा लगेगा। मेरे हाथ का उपमा सबको ही अच्छा लगता है, आज तक जो जिन लोगों ने खाया है ना सबको बहुत अच्छा लगा है। ये उपमा का मिक्स हो गया प्रीमिक्स इस डब्बे में, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आलू भुजिया भी ले ली, भुजिया भी रख ली मैंने ताकि हम इसको उपमा के ऊपर डाल के खा सके। ठीक है, तो ये हो गया है। अभी खाना जो भी बनाऊंगी मैं कल बनाऊंगी, तो कल दिखाती हूँ आपको। कुछ ब्रेड स्लाइसेस बचे थे तो उसको मैंने चीज़ चिली सैंडविच बना दिया, ये देखिए चीज़ वगैरह डाल के। तो कॉफ़ी बना ली है यहाँ पे अभी शाम की, तो अभी कॉफ़ी एंड एक सैंडविच खाएंगे तो पूरा एक हो गया है। अभी अचार रख लेना है मुझे, और बाकी मैंने ऐसे ये मैकडोनल्ड्स के सॉल्ट एंड पेपर आते हैं तो ये भी मैंने रख लिए, काम आएंगे। देखिए अम्ब्रेला रखा है और ये सॉल्ट पेपर, एंड ये मैंने एक पिज़्ज़ा सीजनिंग रख लिया है, कभी पिज़्ज़ा वगैरह खाए तो ये डालने के लिए, क्योंकि सिंगापुर में ये सीजनिंग नहीं देते हैं, सिर्फ चिली फ्लेक्स देते हैं। तो मैं बोल रही थी ना कि मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा डल ऐसे लग रहे हैं बिना कलर के, क्योंकि ये एकदम ही बहुत ही लाइट सा ब्राउन है। ये अच्छा है ग्रे बालों को हाइड करने के लिए, बट देन मुझे आदत नहीं है ऐसे देख के। ये आपको कैमरा पे दिख रहे होंगे कि ऐसे दिख रहे हैं, बट ये एक्चुअल में नहीं है। और जो मेरी फ्रेंड प्रतिभा ने मुझे कलर किया था ग्रीन, वो भी चला गया है यार देखिए कहीं तो गुम हो गया है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास ये हाईलाइट रखा हुआ है स्ट्रीक का सॉफ्ट ब्लॉन्ड शेड में, तो मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने एंड्स को थोड़ा बहुत कलर कर लूँ ताकि अच्छा लगे, और यहाँ का मैं बाद में सोचती हूँ कभी और करूँगी। तो फटाफट से इस मिक्सचर को पूरा मिक्स कर रही हूँ, और मैंने फॉइल भी ला के रखी हूँ ताकि मैं थोड़ा सा फॉइल बांध के करूँ, क्योंकि जब आप फॉइल को रैप करके करते हो उसमें तो इफ़ेक्ट जल्दी आता है एंड अच्छा आता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होता है ना उसमें, तो उसकी वजह से। तो मैं फॉइल यूज़ करके करूँगी आज। सो फटाफट से मैं मिक्स करती हूँ पहले मिक्सचर, फिर मिलती हूँ। देखिए अभी मैंने ग्लव्स पहन लिया है और ये मिक्सचर को रेडी किया है मैंने अच्छे से, इसमें लम्ब्स ना रहे कोई भी, तो मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अभी मैं छोटे छोटे पार्ट्स करके ना इसे एंड्स पे लगा दूँगी इसके, ठीक है। तो देखिए ऐसे डिवाइड करूँगी, ये एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, क्योंकि मेरा लेंथ ये आगे के बालों का अलग है, फिर नीचे जाते जाते अलग है ना, तो इसीलिए मैं ऐसे इतने इतने को कलर करूँगी मैं, ठीक है। और मैं अपने हाथों का भी यूज़ करूँगी ऐसे करके, फिर मैं इसको ऐसे फॉइल में डाल के ऐसे ही अभी मैं सारे कर लूंगी। मैंने कर लिया है कलर, ठीक है, और मुझे फाइनली दो डब्बे लग गए, एक डब्बे में हुआ नहीं मुझे, तो मैंने दो डब्बे थे मेरे पास वो दोनों यूज कर लिए। देखिए अभी मैं इसको 40-45 मिनट्स तक छोड़ूंगी एंड उसके बाद इसको धो लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं रिजल्ट बाद में, ठीक है। अच्छा ही आएगा क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, बट ये एंड्स को मैंने पहली बार किया है, वरना मैं हमेशा फुल हाइलाइट्स कर लेती हूँ। फाइनली ये कलर अचीव हुआ है, ये देखिए हाइलाइट्स अच्छे लग रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे बालों में कुछ है, वरना ऐसे प्लेन प्लेन बाल लग रहे थे ना, ब्लैक ब्लैक, मुझे आदत नहीं है ऐसे देख के। तो इतने सालों से जब आप एक टाइप का देखते हो तो वैसे देखने की आदत हो गई होती है, तो अभी फाइनली ऐसे लग रहे हैं। कैसे दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो अच्छा लगा, ये कलर बहुत अच्छा आया है। सो या ऑल सेट, तो ये है। और अभी जस्ट हम बाहर गए थे थोड़ा बहुत, वहाँ से पैसे एक्सचेंज वगैरह करके लाए, एंड अभी पैकिंग पूरी हो गई है। और ये मैंने एक पाउच लिया है जिसमें मैंने सारा अपना नॉर्मल सामान वगैरह रखा है, पैकिंग हो गई है, घर भी क्लीन हो गया है। अभी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ चार्जर वार्जर, तो मैंने अपना चार्जर वार्जर सब कुछ रख लिया है, वो सनी का काम है, जनरली उन्होंने इस पाउच में डाल दिया है। और ये देखिए ये मैंने अचार रख लिया है,
और अम्ब्रेला भी रखा है साथ में, ये सब तो सीजनिंग दिखा दिया था आपको। एंड मैं मेरी बैग चेंज करूँगी, ये बैग नहीं लेके जा रही हूँ मैं क्योंकि इसमें सामान ज़्यादा नहीं आता है, ये यहाँ के लिए ही ठीक है। तो मैं अभी मेरी एडिडास वाली जो बैग मैं इंडिया लेके गई थी ना, वो बैग वो वाली लेके जाऊँगी, उसको धो के डाला है मैंने क्योंकि इंडिया से आने के बाद उस बैग का एकदम कलर ही चेंज हो गया था, तो इसीलिए मैंने वो धो दिया है, वो बैग को लेके जा रही हूँ। और मेरी इतनी गंदी हालत हो गई है यू नो, जनरली मैं नेल्स अभी हमेशा वही स्टिक ऑन नेल्स ही लगाती हूँ, एक्सटेंशन कराती हूँ या फिर स्टिक ऑन नेल्स यूज़ करती हूँ, तो ऐसे होगी ना मेरे पास नेल पॉलिश एक भी नहीं बचा है। घर में थे नेल पॉलिश बट देन बहुत महीनों के पहले, आई थिंक एक साल के पहले आई गेस, वो मैंने पूरे डिस्कार्ड कर दिए, सारे फेंक दिए क्योंकि नेल पॉलिश यूज़ में ही नहीं आते। तो आज मेरे पास एक नेल पॉलिश भी नहीं था क्योंकि मेरे हाथ बहुत बेयर लग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक नेल पॉलिश लाती हूँ, तो मैं डाइजो जाके $2 का नेल पॉलिश लेके आई हूँ आज मजबूरन, क्योंकि मेरे पास था नहीं कुछ भी लगाने के लिए, तो इसलिए ये लेके आई हूँ मैं। एक्चुअली मलेशिया में मैं नेल्स करवाने का सोच रही हूँ, बहुत प्यारे वाले सोचा है इस बार, फ्रेंच टाइप कुछ तो करवाऊंगी, तो इसीलिए मैं अभी ऐसे ही जा रही हूँ यहाँ से क्लीन नेल्स लेके। तो बाकी पूरा सेटिंग हो गया है, अभी किचन भी ऑलमोस्ट मैंने क्लीन टाइप ही कर दिया है सुबह के लिए, यू नो क्लीन किचन में घुसने में मज़ा अलग आता है, ऐसे गंदी हुई किचन में मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो वही है, एक और बार आपको बालों का रिजल्ट दिखाती हूँ। मैं है ना बहुत सालों से स्ट्रीक्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई ब्लाइंडली बिलीव स्ट्रीक्स, स्ट्रीक्स का कोई भी कलर हो बहुत अच्छे से आता है। ये तो मैंने सॉफ्ट ब्लॉन्ड यूज़ किया है, अगर आप चाहो तो आप दूसरा भी, मैं एक बारी पीछे से भी दिखाती हूँ आपको। देखिए देखिए आपको दिख रहा हो तो, उम्मीद करती हूँ दिख रहा है, ये देखिए कितना प्यारा है, है ना। एंड मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ स्ट्रीक्स पे क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी सालों से बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दी है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो इसको ना अभी मैं कर्ल वगैरह कुछ नहीं की, नहाने के बाद मैंने इसको बांध के रखा था जूड़ा बना के, तो जूड़े में ही ऐसे कर्ल हो जाते हैं मेरे बाल, तो इसको अगर आप कर्ल या स्टाइलिंग करोगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे यू नो। तो वही है, चलिए भाई इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने दिखा दिया, आज मैंने क्या क्या किया क्या नहीं। तो नया व्लॉग शुरुआत करेंगे जो कि होगा कल जब हम केएल जा रहे होंगे, एंड मैंने यूट्यूब पे देखा है सिंगापुर टू केएल किसी ने भी वीडियोस नहीं डाले हुए हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है अगर लोग जाना चाह रहे हैं वगैरह, तो मैंने सोचा कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी अगर कोई रोड ट्रिप केएल सिंगापुर से केएल जाना चाह रहा है तो, और हिंदी में होगा तो बहुत सारे इंडियंस को यूज़ भी आएगा जो लोग जाना चाहते हैं। सो वही है, कल एक फ्रेश व्लॉग के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में केएल में, अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।